19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की रात जब ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ जश्न मनाया था, तब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा भारत रो रहा था, आंखें नम थी। ग्राउंड पर तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही बहुत मायूस थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर उस रात क्या हुआ था आइए जानते हैं। हर कोई रो रहा था, भावुक था, क्योंकि एक ऐसा मैच टीम इंडिया गवा आया था जिसका सपना वो लगभग 10 सालों से देख रही थी। अब ऐसे में जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो बातें हुई थी वो लीक हो चुकी हैं। अश्विन ने कहा कि फूट फूट कर रोहित शर्मा और विराट कोहली रो रहे थे, साथ ही साथ सभी खिलाड़ियों की आंखें नम थी और एक तरीके से आंसुओं का सैलाब ड्रेसिंग रूम में आ गया था। ये सारी बात किसी और ने नहीं बल्कि वर्ल्ड कप टीम में रहे आर अश्विन ने की। उन्होंने कहा कि हमें दर्द महसूस हुआ, विराट कोहली और रोहित शर्मा रो रहे थे, ये देखकर हमें बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये टीम एक अनुभवी टीम थी, हर कोई जानता था कि क्या करना है, हर कोई अपना रूटीन वार्म अप जानता था। मुझे लगता है कि दो संभावित लीडर्स ने टीम ऐसी करने का एक स्पेस दिया है और एक माहौल बनाया है। अगर आप भारतीय क्रिकेट को देखें तो हर कोई कहेगा कि MS धोनी से सबसे बेस्ट कप्तान कोई नहीं। रोहित शर्मा एक बेहतरीन इंसान है, वो टीम के हर खिलाड़ी को समझते हैं, वे जानते हैं कि हम में से हर किसी को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उनकी बहुत अच्छी समझ है, वे हर एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। अपनी नींद छोड़ के मीटिंग्स का हिस्सा बनने वाले रोहित शर्मा हैं। वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को रणनीति कैसे समझाई जाए। रोहित शर्मा कप्तान बहुत अच्छे हैं, लेकिन रोहित शर्मा भी रो रहे थे, विराट कोहली भी रो रहे थे और अश्विन ने ये पूरे ड्रेसिंग रूम की बातों का खुलासा किया।